हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, यानी कि जिन छात्रों ने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है और वो अपनी स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सामने आई है। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है और आप अपने अमाउंट का वेट कर रहे हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, देखिए जो गुड न्यूज़ है वो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी की तरफ से ये अपडेट आई, तो आप लोग एंड तक देखिएगा और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या गुड न्यूज़ है, प्लस आपको बताऊँगा जो आपका पेमेंट है वो किस डेट को रिलीज होने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है sarkarijobfind.com। इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है, आपको यहाँ पे चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2021-22 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आप लोग 7 से 8 लिंक्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का प्री मैट्रिक का, पोस्ट मैट्रिक का एंड अदर देन इंटर का जो स्टेटस है वो देख सकते हैं, प्लस आप लोग यहाँ से उमंग का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका अमाउंट प्रोसेसिंग में है या नहीं। आपको यहाँ पे सिंपली अपनी कैटेगरी के आगे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सिंपली अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या और अपनी जन्म तिथि डाल के अपनी डिटेल्स फिल करके चेक कर लेना है कि आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ है या नहीं, या फिर पेंडिंग में है, या फिर सस्पेक्ट है, या फिर रिजेक्ट हो गया। सो गाइस, अब बात आती है कि गुड न्यूज़ क्या है। तो देखिए, गुड न्यूज़ जो है वो आपके फॉर्म वेरिफिकेशन से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है आपकी 10 मार्च 2022, मगर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने खुद बताया है कि फॉर्म किस डेट तक वेरीफाई होंगे। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, आपको लाइव नोटिफिकेशन दिखाते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो फॉर्म है वो कब तक वेरीफाई होगा, प्लस पेमेंट जो है आपका वो किस डेट से आने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग ये गुड न्यूज़ देख सकते हैं, यानी कि जो छात्र परेशान थे कि हमारा फॉर्म 10 मार्च तक वेरीफाई नहीं हुआ तो क्या अब हमारा फॉर्म वेरीफाई नहीं होने का, तो ऐसे सभी छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है। और यहाँ पे आप लोग ये आवश्यक सूचना पढ़ सकते हैं जो कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने डिपार्टमेंट के बाहर लगाया है ताकि छात्र आकर परेशान ना करें, यानी कि छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कभी फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ तो वो बार बार समाज कल्याण विभाग या फिर अल्पसंख्यक विभाग के चक्कर काट रहे। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं आवश्यक सूचना, समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में जनपद स्तर से छात्रवृत्ति डेटा अग्रसारण का कार्य प्रगति पर है, यानी कि फॉर्म वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो प्रगति पर है, प्रोसेसिंग में है। अतः जिन छात्र छात्राओं का डेटा वर्तमान में जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति समिति के लॉगिन पर पेंडिंग है, उक्त समस्त छात्र छात्राओं का डेटा दिनांक 20 मार्च 2022 तक अग्रसारित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिन छात्रों का डेटा पेंडिंग में है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है, तो ऐसे सभी छात्रों का जो डेटा है वो 20 मार्च 2022 तक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, यानी कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका जो डेटा है वो 20 मार्च 2022 तक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल से। ठीक है, कृपया अनावश्यक कार्यालय के कर्मचारियों से संपर्क कर कर्मचारियों का महत्वपूर्ण समय नष्ट ना करें, यानी कि छात्र बार बार डिपार्टमेंट में आके क्वेश्चंस ना करें जिससे जो अधिकारी हैं उनका समय बर्बाद हो रहा है और वो फॉर्म वेरीफाई नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि थोड़ा सा वेट करिए और आपको जो फॉर्म का वेरिफिकेशन है वो 20 मार्च तक वेरीफाई कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं आज्ञा से जिला समाज कल्याण अधिकारी मथुरा, यानी कि मथुरा समाज कल्याण विभाग के बाहर ये नोटिफिकेशन लगा रखा है। प्लस मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स ने कमेंट्स कर रहे थे कि सर फॉर्म वेरीफाई नहीं हो, तो ऐसे सभी छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है। और ये स्क्रीनशॉट हमें एक भाई हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर सेंड किया था, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग हमें कोई भी न्यूज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप लोग हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात आती है पेमेंट आने की, तो देखिए अब पेमेंट में डिले हो सकता है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर डेट एक्सटेंड होती है फॉर्म वेरिफिकेशन की तो पेमेंट भी बाद में आएगा, यानी कि आप लोग मान के चल सकते हैं कि 20 मार्च के बाद से पेमेंट आना स्टार्ट होगा और 11 दिन के अंदर यानी कि 31 मार्च तक सभी छात्रों को बेनिफिट मिल जाएगा, बस बजट का इशू ना हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अब थोड़ा सा वेट करिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, सिर्फ और सिर्फ 12% छात्रों ने ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।